नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण मार्कंडेय और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं सूरज कुमार तिवारी से, जो इस समय यूरोपियन कंट्री में, यूक्रेन में आप MBBS के चौथे वर्ष के छात्र हैं। आज हम सूरज से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार विदेशों में पढ़ाई होती है MBBS की, छात्र आज समझ नहीं पाता है कि हमें कैसे जाना चाहिए, जाने का माध्यम क्या है, यहाँ और वहाँ में अंतर क्या है पढ़ाई में, पढ़ाई पूरी करके हम भारत में आएंगे तो हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। तो सूरज, सबसे पहले तो हमारा आपका वेलकम इस चैनल के लिए, और आपने समय दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आप बताइए, शिक्षा दीक्षा आपकी यहाँ से हुई और कैसे आप वहाँ एडमिशन लिए, कौन सा माध्यम था? गांव में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और 12वीं क्लास भी थोड़ा दूर गोसाईगंज बाजार है, वहाँ पे एक रामबली नेशनल इंटर, वहाँ से मैंने किया। तत्पश्चात मैं कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मैं पढ़ाई बीच में 2-3 साल गैप हो गया, और मैं BSc कर रहा था, ऐसे ही एग्ज़ाम देता रहा और पढ़ पढ़ के। उसके बाद मैंने, मेरे संपर्क में कुछ लोग आए, फिर मेरा मतलब मेडिकल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, कुछ दिन योगा की मैंने अपने स्वतः ही अध्ययन करता रहा, फिर आयुर्वेद का अध्ययन किया, होम्योपैथिक में मेरा बहुत रुचि है, काफ़ी जानकारी भी है कैसे क्या उसका पैटर्न होता है, आयुर्वेद की मैंने 1-2 किताबें पढ़ी तो मेरा रुचि था। तो मेरे एक होम्योपैथिक डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी के संपर्क में आया, तो मैं उस समय तैयारी कर रहा था CPMT, बिना किसी तैयारी के मैंने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के उपरांत मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दुर्भाग्यवश, लेकिन मैंने MP PMT में एक पाहुंट नाम का एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया था, उसमें मुझे BHMS या BMS कॉलेज मिल जाता, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे जानने वाले डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी BHMS हैं, यहीं पे एक कॉलेज में ब्रिज किशोर से कर रहे हैं, उनका अंतिम वर्ष था, उन्होंने मुझे बताया कि क्यों ना आप बाहर चले जाओ और MBBS कर लो। तो मैं जानता नहीं था, तो मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतना जानकारी भी नहीं, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं आती। दोनों ने कहा कि मुझे पता है, मेरा दोस्त करता है, उस माध्यम से मैंने जुड़ा, फिर मैं जानकारी इकट्ठा करता गया, बहुत चीज़ें पढ़ता गया क्या है, फिर बाद में अंततः पता चला कि आसानी से, उस समय कुछ ऐसा नीट वाला सिस्टम नहीं था, तो मैं उन्हीं के माध्यम से वीज़ा लगवाया और मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे, फिर वहाँ गया, यही एक प्रोसेस था। लेकिन यह है कि ये काफ़ी चीज़ें अनकॉन्शियसली हुई, उचित में नहीं था, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अच्छे तरीके से मैं जान नहीं पाया, या मेरे बताने वाले उन्होंने झूठ भी बोला, कुछ लोगों ने, चतुर्वेदी जी ने तो मेरी बहुत मदद की लेकिन उनको भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं था, इसलिए मेरे पैसे कई जगह पे बहुत ज़्यादा लग गए। मतलब तो, यूँ कहा जाए कि बिचौलिए के माध्यम से अल्प जानकारी की वजह से आपको आपके पैसे का नुकसान हुआ, किंतु सही जगह से आप पहुँच गए। क्या अंतर है वहाँ और यहाँ में MBBS का? मेरे हिसाब से कुछ विशेष अंतर नहीं है, यूरोप में, यूरोप की बीमारियां अलग हैं, लोग अलग हैं, सभ्यता अलग है, हमारे यहाँ बीमारियां अलग हैं, लोगों की बीमारियां बिल्कुल ही अलग हैं, रहन खान, संस्कार, सभ्यता। क्या वहाँ, क्या वहाँ हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये सब सबसे ज़्यादा यही बीमारी हाई ब्लड वहाँ ज़्यादा है कि यहाँ वहाँ पे ज़्यादा भारत में, क्योंकि भारत में लोग, फिर अंतर क्या है सूरज, जब वहाँ भी यही बीमारी है, यहाँ भी कैंसर, वहाँ भी होगा कैंसर, यहाँ भी होगा, मैं बताता हूँ, जुकाम बुखार वहाँ भी है यहाँ भी है, क्या अंतर है? वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजे कम है, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जान ही रहे गंदगी का, गंदगी चरम पे हर जगह, और लोग कॉन्शियस, मतलब हम लोग के प्रति, यहाँ के लोग गंदे लोग हैं वहाँ के बनिस्पत, मान सकते हैं क्योंकि लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, लोग स्वयं का घर साफ करते हैं, बाहर कूड़ा कचरा, मतलब जो भी, वो स्वयं ही बीमारी है, स्वयं पैदा करते हैं, स्वयं ग्रसित होते हैं, फिर स्वयं ही उसमें परेशान हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि वहाँ बीमारियाँ इसलिए अलग हैं कि वहाँ पर भारत में कमी के बावजूद लोग खुश रह लेते हैं, वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मेंटल सपोर्ट नहीं, क्योंकि वहाँ उनका कल्चर अलग है, क्योंकि उनके परिवार में बहुत कम सदस्य होते हैं, माँ बाप उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं लेते हैं। ऐसा अच्छा सूरज, क्या है जैसे बच्चा 18 साल का हो जाता है, फिर जो जिम्मेदारी है माँ बाप की वो ख़त्म हो जाती है, फिर बच्चा अपने जा कर के धंधा करे, व्यवसाय करे, पढ़ाई करे, क्या है वहाँ? वहाँ पर ये है कि सरकार वहाँ पर सपोर्ट करती पढ़ाई, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कुछ निर्धारित समय के लिए वहाँ बच्चे करते हैं, जैसे किसी मेस में काम कर लिए या किसी
मान लीजिए मैकडोनल्ड है या अन्य किसी दुकान पे लोग काम करते हैं वहाँ के लोग, मैं यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ पे सब पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे माँ बाप स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं पढ़ाने का, और वहाँ पे ये कल्चर बहुत कम। अच्छा, वहाँ के छात्रों के साथ आप सभी का सामंजस्य कैसा होता है? जैसे कई देशों के बच्चे जाते होंगे वहाँ पर, बहुत देशों के बच्चे हैं, तो कैसे आप सामंजस्य कैसे हो, उन लोगों का व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा होता है? व्यवहार सभी का सामान्य होता है, लोग सेंसियर हैं, इतना कुछ समस्या नहीं। आप कैसे हैं इसी हिसाब से अगला व्यवहार करता है। फीस के मामले में क्या है, फीस वहाँ पर यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है? वहाँ पर डॉलरों में फीस होती है, मेनली हमें डॉलरों में। ठीक बात है, अंतर कितना आता है? अंतर काफ़ी है, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए, अगर प्राइवेट अगर आदमी सिलेक्शन ना हो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, वहाँ पे आपको 20 से 25 लाख रुपए के अंदर आपकी पूरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हो जाती है, सभी चीज़ें मिला के मैं बता रहा हूँ। अगर फीस फीस ही जोड़ो तो 18-20 लाख रुपए में, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आप किस प्रकार का यूनिवर्सिटी चुनते हैं? आपका जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? मेरे विश्वविद्यालय का नाम उजग्रोध नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन, ये पोलैंड स्लोवाकिया के बॉर्डर पे है। अच्छा, इसलिए इन स्लोवाकिया पोलैंड का भी कल्चर वहाँ पे। किन किन देशों के बच्चे होंगे आपके साथ? बहुत देशों के, गाना, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अरब कंट्री के बहुत ज़्यादा, इसराइल के, पैलेस्टाइन के, और साउथ कोरिया, और बांग्लादेश, नेपाल, मतलब बहुत बहुत देशों के बच्चे हैं। तो पोलैंड, उनके बगल के भी दो चार देशों के वहाँ पे बच्चे आते हैं। यहाँ का जो बच्चा नीट क्वालिफाई करता है तो न्यूनतम अंक जैसे जो उसकी पूर्ति करनी होती है, तो यहाँ अगर एडमिशन लेगा प्राइवेट कॉलेज में तो उसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर अच्छा अंक नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज उसे मिलेगा नहीं। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, क्या वहाँ सर्वाइव कर पाएगा विदेश में? बिल्कुल, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी NMC भी ला गया है, अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दे, क्योंकि अब भारत में आप पढ़ो, विदेश में पढ़ो, पांच देशों के एक्सेप्ट, पांच देशों को, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, यहाँ के अलावा आप कहीं भी देश में जाओ, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लेते हैं क्योंकि पांच देश रजिस्टर्ड देश हैं। भारत का MCI जो है पहले था, और अभी जो NMC भी ला गया, इसके हिसाब से मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अन्य किसी देश में जाते हैं, किसी भी देश, नेपाल, बांग्लादेश, या यूरोपियन किसी भी, यूक्रेन, रसिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, किसी भी कंट्री में, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना लोग बहुत जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, तो कहीं भी जाएँ, तो वहाँ पे आने के बाद जो भारत के लोग एग्ज़ाम देते हैं पास करने के उपरांत, वही सेम एग्ज़ाम उनको भी देना पड़ेगा एक ही साथ, उसी से आपका PG भी सिलेक्शन होगा। आप अगर वो NMC पास करते हैं, या FMGE उसको कहते हैं वर्तमान में, वो पास करते हैं, उसी से डायरेक्ट आपका PG का भी सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी एग्ज़ाम से आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए भी उनको अर्हता आपकी हो जाएगी, हाँ, मान्यता मिल जाएगी, अधिकृत हो जाएंगे हम रजिस्ट्रेशन। देखिए, बड़ी समस्या है, बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, कहाँ जाएं, कैसे कोचिंग क्या करना चाहिए, जैसे किस तरह की कोचिंग में उन्हें पढ़ना चाहिए, या घर बैठ करके भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऐसे में क्या आप राय देना चाहते हैं? इसके विषय में इंडिविजुअल पे मैं कहना चाहूँगा, आदमी इंडिविजुअल अपने आप को पहचाने कि उसे सच में जानकारी है कि नहीं, उसे बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए, और लोगों को पता भी होता मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, उस हिसाब से आदमी फैसला ले सकता है। किसी के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनका इंडिविजुअल नॉलेज है, हर व्यक्ति कितना मेहनत करता है उस हिसाब से उसको जानकारी होती है। और जहाँ तक मेरी राय है, कोई भी बच्चा बिना एक साल कोचिंग के वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक साल कोचिंग के उपरांत यह होता है आदमी को एक मूल जानकारी, बेसिक जानकारी हो जाती है, उसके बाद वो जाता तो उसे बहुत ही सारी समस्याओं का निराकरण बहुत आसानी से हो जाता। भाषा की दिक्कत क्या आती है, जैसे हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात मैं करता हूँ, तो यहाँ का बच्चा जाएगा भोजपुरी बोलता है, अवधी बोलता है, या फिर मगधी बोलता है, हिंदी बोलता है, अंग्रेजी किसी तरह से काम चला लेता है, तो ऐसे में किस तरह का सामना उसे करना पड़ेगा बाहर? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूरे देश से कहीं, किसी विश्व से किसी कोने में, किसी देश में जाए तो इसका कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ उस हर देश में सामान, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो चुका, आपके पास ट्रांसलेटर है, आप कोई भी बात एक सेकंड के अंदर ट्रांसलेट करके दे दीजिए। अच्छा, हर व्यक्ति समझ जाता है। कुछ भाषा आप भी वहाँ सीखे हैं कुछ? जी ज़रूर, मैंने यूक्रेनियन सीखा है। बोल के एक लाइन में बताइए कि संदेश क्या देना चाहते जैसे हैं? कि मैं जैसे जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यूक्रेन जाने में, इसे बताइए क्या बोलेंगे?
जैसे कि मैं परफेक्शन जिसमें है मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर आपसे कुछ पूछे तो मिनिया जवाते सूरज ते नी माइस प्रॉब्लम ईदू उक्रेन नीमा प्रॉब्लम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे कि जैसे इफ़ यू आर गोइंग टू यूक्रेन यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम देयर बिकॉज इंग्लिश इज़ ए नॉट इशू इन स्टडी इफ इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज नॉट फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ईच एंड एवरी कंट्री हैव डिफरेंट लैंग्वेज यू हैव टू कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज बिकॉज नॉट अबाउट फॉर इंडिया अवधि 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 ओनली इंग्लिश इज अवधि अवधि में कैसे बताएंगे अगर क्यों मतलब कहूँ भी जाए तो कोनो भाषा बहुत बड़ी समस्या ना आए अगर इंग्लिश समस्या हो सके तो कहें से अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़े जाते आप आकर अंग्रेजी आवे चाहिए ऊपर थोड़ा मेहनत करा अंग्रेजी ज्ञान ले ला और चला जाए और पढ़ा कोनो दिक्कत ना आए आज आज मोबाइल के ज़माना में यूट्यूब पर तमाम भाषा सीख सकता है तमाम विद्या सीख सकता है विद्या कोनो भाषा का मोहताज ना आए बा हाँ जरूर बा अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान बा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसका महत्व दे 54 देश में राज के अंग्रेज है तो ये वजह से तमाम जनिक जानकारी जोन बाटे अंग्रेजी में हो गया ऐसा जरूरी ना बा गाँव में ज़्यादा ना जानते हो जो किताब ढेर पढ़ ले और ढेर जाना थे देखिए है सूरज और लगातार अवधि भाषा का भी वहाँ प्रयोग करते हैं और तमाम लोग आपसे वहाँ सीखते भी हैं जी जरूर मेरे साथ में मलयाली हैं वो भी अवधि बोल लेते काफ़ी हद तक वो समझ लेते हैं जबकि उनको जब वो आए थे उनको हिंदी भी नहीं आता था हिंदी भी मैंने सिखाया उनको बहुत कोशिश किया हिंदी भी वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और मेरे साथ पंजाबी राहुल रहते हैं अजीत जोसेफ पॉल मैं बहुत बच्चे हैं जो अवधि मेरा काफ़ी हद तक समझ लेते हैं वो कब काफ़ी हद तक बोल भी लेते हैं क्योंकि मैंने इतना प्रयोग किया अवधि कि लोग आकर्षित होकर मेरी भाषा की तरफ सम्मान भी करते हैं मेरी भाषा अच्छा सूरज वहाँ भी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का कुछ है सच्चाई में हमारी सरकार कोई भी सपोर्ट नहीं करती आज तक एक रुपये का यहाँ तक कि अगर आप लोन भी लेने जाओगे उसके लिए भी आपको बहुत झिलाएगी मैंने लोन के लिए बहुत प्रयास किया था जब मैं गया था तो वो कहते हैं आपके पिताजी सरकारी नौकरी नहीं करते आपका शहर में ज़मीन नहीं है खेती करते हैं आपके पिताजी इस जबकि अब विषय कोई है नहीं कोई विषय नहीं है आदमी पढ़ रहा है तो सरकार कोई सपोर्ट नहीं है बैंक तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इसलिए अगर आपका घर शहर में है और आप क्या कहते हैं आपके पिताजी सरकारी तो आपको लोन आसानी से मिल जाए क्योंकि वो बेसिस लेते हैं नहीं वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी क्योंकि अगर हमारे देश में कोई आए तो हम दूसरे के लिए क्यों करेंगे पहले हम अपने अपने देश के लोगों को अच्छा अपने देश के बच्चों के लिए क्या करते हैं वो अपने देश के लोगों के फीस उनकी सस्ती होगी हॉस्टल फ्री होगा खाना फ्री होगा अच्छा। और हाँ तो इसलिए उन उन बच्चों के लिए हम ये नहीं कह सकते उनको बहुत सीधे सहजता से पर आप देखिए और हमारे और विदेश में यही अंतर है यूरोप में एक तरह से फ्री आपका कास्ट पढ़ाई है फेल आपको नहीं होना है अगर आप लगातार उत्तीर्ण करते जा रहे हैं तो सरकार आपको और यहाँ आठवीं तक है आरटीई लागू है यहाँ आठवीं तक सूरज निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो ये फीस देंगे फीस नहीं लेंगे कापी किताब देंगे ड्रेस देंगे जूता मोजा देंगे और पढ़ाएंगे दोपहर का भोजन देंगे लेकिन इस शिक्षा को क्या आप मानते हैं कि उच्च शिक्षा तक फ्री करना चाहिए जी ज़रूर क्योंकि मेरे जानकारी में बहुत छात्र हैं जिन्होंने मेडिकल लाइन छोड़ दिया सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनके पास पैसा नहीं ऐसा मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने अन्य प्रयास किए जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि सरकार को इकोनॉमी के हिसाब से सहूलियत देनी चाहिए कैसी सूरज अंतिम सवाल आप चिकित्सक हो जाएंगे जी कुछ ही दिनों में फिर क्या करेंगे आप वहीं बस जाएंगे वहीं सेवाएं देंगे या फिर आप भारत में आएंगे बिल्कुल नहीं मैं और भारत में आएंगे तो जिस प्रकार दुकानें खुली हुई हैं और मरीज को ग्राहक के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो आप भी तो वही करेंगे आपके पिताजी ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं और आप किसान परिवार से हैं कोई इस तरह का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग भी नहीं हैं तो क्या करेंगे आप मेरे ख्याल से आप उसको कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल मेरे जहन में ही नहीं ठीक से इधर देख के मैं मानता भी नहीं ऐसी चीज़ें कि अगर आप परेशानी में तो आप दूसरे को परेशानी में डालें ये कोई वही नहीं हुआ मैं परेशानी में तो मैं मेरा तो और भावना प्रकार होना चाहिए लोगों में और इससे बाहर निकाल क्या करेंगे साधु हो जाएंगे जैसे कुर्ता पैजामा पहने कुर्ता पैजामा हमारी सांस्कृतिक वस्त्र है मैं इसको नहीं छोड़ सकता फिर कोई मरीज आएगा नहीं कहेगा यार धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहन करके डॉक्टर ऐसा होता है क्या डॉक्टर जब तक टाई ना लगाए मैं ये सोच भी तो बदलने आऊँगा ये सोच भी बदलूँगा सोच बदलेंगे बिल्कुल
सूरज मेडिकल अफसर होंगे, सोच बदलेंगे और यह मरीज को ग्राहक नहीं समझेंगे, लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के आप चिकित्सीय सेवाएं देंगे। जी चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उसे साकार करेंगे। अवश्य भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशन जैसे लोग काम करते हैं मैं उसकी धारणा बदलना चाहूँगा। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, जिनके जो जो जाकर के इस तरह की पढ़ाई की कापी किताब भी नहीं खरीद सकते, वह कैसे तैयारी करेंगे? मैं ये बताता हूँ, अगर आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आपकी जो आवश्यकता उसी हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट, किसी को देख के नहीं। ये है जानकारी आप उपलब्ध करिए, अगर आपको उतना उपलब्धता नहीं तो किताब आज नेट सस्ता हो गया है, मैंने देखा है कि लोग पीडीएफ फाइल इलेक्ट्रॉनिक फाइल से बहुत, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, 3 साल से मैंने एक भी किताब नहीं खरीदी और मैं पीडीएफ फाइल अपने या लैपटॉप है मोबाइल इटसेल्फ 2 साल मैंने मोबाइल से पढ़ाई की, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप ये काम कर सकते हैं, आप मोबाइल में पीडीएफ लीजिए और तमाम यूट्यूब पे चैनल हैं आप चेक करिए कि हाँ एमबीबीएस की तैयारी के लिए या नीट की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स होते हैं, शायद 12वीं का ही सब बुक होता है, वही चीज़ें आती हैं, आप उसको पढ़िए अच्छे से और आप मेहनत करके एग्ज़ाम दें। मेरे जानने में बहुत बच्चे हैं जो 300-400 नंबर भी लाए हैं बिना कोचिंग के, आप भी ला सकते हैं। अगर 300-400 आए हैं भारत में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आपके पास कुछ उपलब्धता है, आप थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, करोड़ नहीं है तो आप जाइए विदेश, बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा भी मिल रही है और आपको परेशान भी, हाँ ये है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे थोड़ा कम मिलता है जो कि एकदम 100% सत्य है। चाइना और फिलीपींस छोड़ के किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और यूक्रेन, रसिया, इन देशों में बीमारियाँ थोड़ी कम हैं यहाँ से संबंधित, इसलिए आपको वो और थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी वीक होता है उसकी थोड़ा सा, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा जानकारी कम हो सकता है। बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, आप NMC पास करेंगे, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस 1 साल इंटर्नशिप कराया जाए, इंटर्नशिप में आप 6 महीने के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे जानने वाले जितने भी लोग करके हैं उन्होंने 6 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनको सब कुछ आता था, वहाँ भी आधा सिखाया गया था आधा ही यहाँ पर, और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि कोई इस तरह का प्रतियोगी छात्र आपसे संपर्क करना चाहता है तो कोई मेल वगैरह जो हो जिससे बात कर सके? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर कोई हो? व्हाट्सएप नंबर ही मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं उसी पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, +380 वहाँ का कोड है, +380 9940 79 247। बहुत से लड़के अब हिंदी जानते ही नहीं हैं, 99 तो 99 वो लिख नहीं पाते, 9940 79 247। ये मेरा नंबर, कई बार मैं कहता हूँ तो लड़के ऐसे मुंह ताकते हैं, फिर कहते हैं सर इंग्लिश में बता दीजिए, तो ये अभी एक संकट पैदा हो गया है ना, मैं यूक्रेन में नहीं बता सकता हूँ कैसे बताएंगे देवियत देवियत चौतेरे नून ऐसे बिसिम देवियत द्वा चौतेरे सिम। चलिए आप ही समझेंगे, आप ही बताएंगे, हम लोग तो समझ नहीं मैं पाएंगे। तमिल भी बता सकता हूँ नहीं नहीं विश्वास है आप बता सकते हैं। यह है भैया, यदि सूरज अपने गांव के स्कूल से पढ़ करके और स्थानीय स्तर से ही जा सकते हैं, MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, और आप ठगे न जाएं, कहीं ठगी के शिकार ना हो, तो इसलिए ठगने वाले इसलिए आपको सोच विचार करके, सूरज भी कहते हैं तो आप आंख मूंद करके मत मानिए, ब्रजभूषण दुबे अगर जोर दे करके कहते हैं तो भी आप मत मानिए, आप परीक्षण करिए, आप सोचिए समझिए और उसके बारे में गहन अध्ययन करने के उपरांत यदि सही लगे। मैं एक चीज़ और भूल गया था बताने, मैं बताना चाहता हूँ कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है तो सबसे पहले वो कॉलेज का नाम पता करे, MCI की वेबसाइट पे जाके उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन चेक करे, उसका लेबल चेक करे, उसमें उसको पता चल, कभी भी आप कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले बार उसके बारे में हर एक चीज़ पता करिए। कंसल्टेंसी को फीस कभी भी पहले मत दीजिए, कोई भी फीस नहीं देना है, वो रजिस्ट्रेशन की शुल्क माने कुछ मत दीजिए जब तक आपके हाथ में वीज़ा ना जाए, और फीस पहले कंफर्म कर लीजिए, और 2-4 लोगों को फेसबुक पे किसी भी तरीके से उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को खोजिए, उनसे बात करिए, कंसल्ट करिए, जानकारी लीजिए, उसके पहले कभी भी पैसा मत दें, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं और इसी की वजह से बहुत बच्चे जा भी नहीं पाते, बहुत बच्चों को परेशानी भी होती है, इसलिए आप कॉन्शियस रहिए, आप अपना दिमाग खोल के आँख खोल के कभी किसी पर विश्वास मत करिए और
और कोशिश ये करिए कि उस यूनिवर्सिटी कोई भी बच्चा मिले, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके बहुत चीज़ें चेक करिए और कंसल्टेंसी पे बिलीव मत करिए, मेरा यही कहना। धन्यवाद। मैं हूँ ब्रजभूषण मार्कंडेय, आज सूरज के साथ, और इस तरह से और भी चर्चा हम आहूत करते रहेंगे, आपसे बताते रहेंगे। धन्यवाद।